प्रणाली हाँ बहुत अच्छी। ओके, तो जैसे हमने देखा कि दुर्गा बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी मुश्किल आ रही है बिचारी की लाइफ में, तो कॉमेंट्स आ रहे थे ये मुश्किलें खत्म कर रही है। ओफो, इस सवाल का जवाब तो मैं भी चाहती हूँ पर ये दुर्गा की कहानी है, ये उसका सफ़र है और उसके सफ़र में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो अभी उसे भी नहीं पता एट दिस पॉइंट कि कितना कितने प्रॉब्लम्स और आने वाले, क्योंकि ऑलरेडी इतने चल रहे हैं। उसने तो सोच भी लिया था कि उसे अभी नहीं ही जीना है क्योंकि अभी इसके सपने ख़त्म हो गए, उसने उसका उसका प्यार उससे छूट चुका है, तो अभी जीने की फिलहाल तो कोई वजह नहीं बची है उसके पास। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुंवर सा है, मीरा जी हैं, अनुभव भाई सा है जो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जीने की वजह दे रहे हैं, पढ़ाई कंटिन्यू करने की बातें कर रहे हैं। तो बस अब आई थिंक वही चल रहा है। दुर्गा का टेक यही है कि उसने कुर्बानी दी है कुंवर सा के लिए, शादी उसने कुंवर सा के लिए की है। वो चाहती है कि कुंवर सा इस मेस से दूर रहे, क्योंकि राजेश बहुत कुछ प्लान करता है और अभी वो मार रहा है, वो चीज़ अनुराग से देखा नहीं जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से दूर रहे, इन सब चीज़ों से दूर रहे। वो उनके एग्ज़ाम्स बीच में छोड़ कर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने एग्ज़ाम्स दे और फर्दर स्टडीज़ करे और बहुत बड़े डॉक्टर बने, हम दोनों का सपना रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अब उन्हें यहीं पर रहना है, कबीले वालों की मदद करनी है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन वो बड़े डॉक्टर बनने के बाद भी तो मदद की जा सकती है ना, ज़्यादा अच्छे से मदद की जा सकती है। तो अब वही चाहती है दुर्गा, लेकिन मान नहीं रहे, क्या करें। जी भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा, देख रहे हो ये मेकअप वेकअप करके जो फूट रहे ना मेरे बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं स्किन केयर करने की, लेकिन 12-12 घंटे मेकअप जब ऑन रहता है ना वो पॉप आउट हो ही जाते हैं, लेकिन मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा खाना, अच्छा पीना, टाइम से सोना, ये सब बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं करूँ, और पर टाइम नहीं मिलता है। खैर, काम हमारा शेड्यूल ही ऐसा होता है, प्लस सेट पे आने के बाद धूल मिट्टी, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं मैनेज करने की स्किन को, अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। ओके, अगर टॉप 3 टिप्स देना चाहेंगे फैंस, किस चीज़ को लेकर, स्किन केयर को लेकर, पहले तो अपने डोमेन के पास जाओ, वो जो बोले वही यूज़ करो, ठीक है। मैं तो वही बिलीव करती हूँ कि कोई मुझे कितना भी स्किन केयर क्यों, आ गया, वाह कितना, 3 पेज आया। तो पहले तो डोमेन के पास डेफिनेटली जाना, रोज़ सुबह उठ के आइसिंग करना, दैट हेल्प्स अ लॉट ब्लड सर्कुलेशन को लेके, एंड सनस्क्रीन लगाना कभी मत भूलना, मतलब वो एक चीज़ है जो कभी मिस आउट नहीं होनी चाहिए, नेवर नेवर। यस, यस, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को ये बात पता रहे कि हमारा टाइम स्लॉट चेंज हो गया है, अब से 6 नवंबर से 8:30 बजे आएगा हमारा शो कलर्स पर, तो प्लीज़ देखना ना भूले। और जो नहीं देखते हैं उन्हें भी बता रही हूँ कि दुर्गा अटूट प्रेम कहानी हमारा शो चल रहा है, जिसका टाइम स्लॉट अब 8:30 हो रहा है 6 नवंबर से कलर्स पर। सो प्लीज़ देखना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं स्टोरीज़ में, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो आई थिंक यू गाइज विल एंजॉय।